हेलो एवरीवन हम यहाँ क्लास इलेवन की बुक होनबिल का सिलेबस कवर करने जा रहे हैं और आज हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं द ब्राउनिंग बाय टेरेंस और ये जो चैप्टर है ये एक प्ले है जैसे कि हर प्ले में कैरेक्टर्स होते हैं और इस प्ले में भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं आइए उनके बारे में जानते हैं और स्टार्ट करते हैं ये जो सीन है एक स्कूल का है ओके लेट स्टार्ट इंट्रोडक्शन दिस इज बेसिकली अ स्मॉल प्ले एक्सेप्ट फ्रॉम द ब्राउनिंग वर्जन एक बड़ी बुक है ब्राउनिंग वर्जन उसमें से ये छोटा सा पार्ट लिया गया है और वो आपका चैप्टर बन गया और इसके बाद मैं आपको बता दूं कैरेक्टर्स एंड प्लेसेस है ना सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द कैरेक्टर्स ऑफ दिस प्ले और सो द फर्स्ट मेन कैरेक्टर इज मिस्टर क्रोकर हैरिस हु इज़ अ टीचर मिली क्रोकर हैरिस वाइफ ऑफ मिस्टर क्रोकर मिस्टर फ्रैंक हु इज़ अ साइंस टीचर टेपलो हु इज़ अ स्टूडेंट और सेटअप ऑफ दिस प्ले इज़ इन द स्कूल एक स्कूल के अंदर ये प्ले जो है किया गया है टैपलो वेटिंग फोर इज टीचर सो वैन द प्ले ओपन्स जब प्ले स्टार्ट होता है तो वी सी दैट टेपलो वेटिंग फॉर इज टीचर और अब जो टैपलो है ये कौन है सिक्सटीन ईयर्स एक स्टूडेंट है जो अपने लोअर फिफ्थ ग्रेड में है और जो वेटिंग कर रहा है अपने टीचर की और इसका क्या है लास्ट डे होता है स्कूल का और क्योंकि उसने बहुत सारी क्लासेस जो हैं वो मिस की होती हैं तो उसे एक्स्ट्रा वर्क दिया जाता है और लास्ट डे वाले दिन ताकि उसे रिमूव मिल सके और इसीलिए वो इस दिन भी आता है स्कूल में और अपने टीचर से इसीलिए वो लास्ट डे वाले दिन भी स्कूल आ कर के काम करके दिखाना चाहता है ताकि उसे जो है प्रमोशन मिल सके अपनी अपनी अगली क्लास में जाने का एंड आफ्टर दैट मिस्टर क्रोकर डी अराइव और क्या होता है कि मिस्टर क्रोकर वहाँ पहुँच ही नहीं पाते हैं और टैप्लो जो हैं वो कहता है कि उनको तो कहा था टेपलो को तो मिस्टर क्रोकर ने कहा था कि वो सिक्स थर्टी तक आ जाएंगे लेकिन अब ऑलरेडी सिक्स फोर्टी तो हो चुके हैं और अभी तक भी वो जो है नहीं आए हैं मिस्टर क्रोकर जो हैं वो नहीं पहुँच पाए हैं और मिस्टर फ्रैंक उनकी वेट कर रहा है अब मिस सॉरी मिस्टर जो टेपलो है वो वेट कर रहा है अब आते हैं मिस्टर फ्रैंक वहीं पर जहाँ पर कि टेप्लो जो है वो वेट कर रहा है अपने मिस्टर क्रोकर टीचर की तो मिस्टर फ्रैंक आते हैं और वो देखते हैं कि टैप्लो जो है वो मिस्टर क्रोकर की वेट कर रहा है और मिस्टर फ्रैंक कौन है ये साइंस टीचर हैं हमने पहले भी इंट्रोडक्शन में बता दिया करेक्टर्स में ये साइंस टीचर हैं और टेप्लो से पूछते हैं कि तुम यहाँ लास्ट डे वाले दिन क्या कर रहे हो तो वो बताता है कि मैं वेट कर रहा हूँ अपने टीचर की मिस्टर क्रोकर की और वो अभी तक नहीं आए हैं और मिस्टर क्रोकर ने जो है वो मुझे बुलाया था तो इसके बाद में क्या होता है इसके बाद क्या होता है कि मिस्टर फ्रैंक जो हैं वो उन्हें बताने लग जाते हैं टेपलो को रूल बताने लग जाते हैं कि जो तुम्हारा रिज़ल्ट है वो हेडमास्टर जी जो हैं वो अनाउंस करेंगे कब ऑन द लास्ट डे ऑफ द टर्म लास्ट डे पे जो है वो अनाउंस करेंगे और डिस्कशन ऑन साइंस और तभी जब क्या होता है कि मिस्टर फ्रेंक वह आते हैं तो वो टैपलो से बातचीत करने लग जाते हैं आ, किस टॉपिक के बारे में कि तुम जब इस क्लास से आगे हो जाओगे तब तुम क्या पढ़ोगे तो टैपलो कहते हैं कि आई विल टैपलो विल स्टडी साइंस कि वो साइंस पढ़ेगा तो मिस्टर फ्रैंक कहते हैं कि स्टूडेंट्स आर स्लेकर्स कि जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ही लेज़ी होते हैं स्लेकर्स मीन्स लेजी कि वो आ, मतलब साइंस जैसा सब्जेक्ट ले तो लेते हैं लेकिन उतनी मेहनत वो जो हैं कर ही नहीं पाते हैं मतलब ऐसा कुछ भी कहता है तो टेपलो जो है एक बुक की तरफ इंडिकेट करता है और जो वो बुक क्या है एक प्ले है ऑन एगेमन पर जो वो प्ले है तो वो इसको कॉल्स इट मक मक कहता है क्योंकि एज़ इट हैज़ अ लोट ऑफ ग्रीक वर्ड्स क्योंकि इसमें ग्रीक वर्ड्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किए हुए हैं और अभी जो टेप्लो है उसे वो बात समझ में नहीं आती क्योंकि टेपलो कहता है कि मिस्टर क्रोकर जो है ना वो वो उस उनके बारे में बता रहा होता है कि वो वो बाकी टीचर से बिल्कुल अलग हैं कि मैं लास्ट डे तक भी आ रहा हूँ और अपना वर्क भी कर रहा हूँ और मुझे रिमूव देंगे भी या नहीं देंगे है ना इस बारे में टैपलो जो है वो श्योर नहीं है कि मुझे वो प्रोमोट करेंगे या नहीं करेंगे अब नेक्स्ट जो हम जाते हैं व्यूज़ अबाउट मिस्टर क्रोकर अब जो टैपलो है वो क्या करता है मिस्टर फ्रैंक को बताते हैं कि मिस्टर क्रोकर जो है वो कैसे बोलते हैं एक्जैक्टली exactly वही लाइन रिपीट करता है वो uh, कौन सी लाइन जो मिस्टर क्रोकर ने टैपलो से कही थी माय डियर टैपलो आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली व्हाट यू डिज़र्व नो लेस एंड सर्टेनली नो मोर वो क्या सेम uh, बात जो है वो बताता है टैपलो मिस्टर फ्रेंक को कि मिस्टर क्रोकर जो है वो क्या कहते हैं टैपलो को कि मैंने तुम्हें एक्जैक्टली exactly वही दिया है जो तुम डिजर्व करते हो ना ज़्यादा ना कम तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो मिस्टर क्रॉकर हैं वो बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करते वो बिल्कुल भी बायस नहीं हैं जो जितना डिजर्व करता है उसे उतना ही वो देते हैं और टेप्लो जो हैं जो फ्रैंक हैं वो क्या कहते हैं कि अब उनको वो शायद नहीं आ पाएंगे है ना क्योंकि जितना टाइम दिया था उससे तो ज़्यादा हो गया तो ऐसा करो टेपलो तुम जाओ और गोल्फ़ खेलो लेकिन टेप्लो जो है वो नहीं जाना चाहता वो कहता है कि मैं मिस्टर क्रोकर ने मुझे कहा है ना आने के लिए और, और वर्क करने के लिए तो मैं बिल्कुल भी इस बात को कट नहीं करूँगा और क्योंकि अगर वो आ जाएँ और उनको पता चले कि मैं यहाँ नहीं हूँ तो वो नाराज़ हो जाएंगे तो पता नहीं मेरा प्रोमोट होगा या नहीं अगली क्लास में तो इस बात से वो डरता भी है और टेपलो बताता भी है मिस्टर क्रोकर के बारे में कि मिस्टर क्रोकर जो हैं उनके मतलब फर्दर उनके और बिहेव के बारे में बताते हैं कि मिस्टर क्रोकर जो है वो सैडिस्ट नहीं है सैडिस्ट क्या होता है जो दूसरों को पेन देने से जिस इंसान को खुशी मिलती है उसे सैडिस्ट कहते हैं तो टेप्लो कहते हैं कि मिस्टर क्रोकर बिल्कुल भी ऐसे नहीं हैं जबकि सीम्स टू हेट पीपल टू लाइक हिम कि उन्हें ऐसा लगता है कि लोग अगर उनको पसंद करते हैं तो यह चीज़ मिस्टर क्रोकर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है लेकिन ही लाइक्स मिस्टर क्रोकर लेकिन वो मिस्टर क्रोकर को बहुत पसंद करता है टेप्लो मिस्टर क्रोकरस जोक्स और फर्दर मिस्टर क्रोकर जोक्स जो थे उनके बारे में टेप्लो हमें बताता है कि एक दिन मिस्टर क्रोकर जो हैं उन्होंने कोई uh, मतलब जोक सुनाया है ना क्योंकि वो अक्सर जोक्स सुनाया करते थे लेकिन उनके जो जोक्स थे वो लैटिन में हुआ करते थे और बाकी बच्चों को तो समझ में नहीं आते थे लेकिन फिर भी उनका मन रखने के लिए टेपलो जो था वो हंस देता था मिस्टर क्रोकर का मन रखने के लिए क्योंकि वो मिस्टर क्रोकर को बहुत पसंद करता था और जब भी मिस्टर क्रोकर कोई भी जोक सुनाते तो टेप्लो हंस देता था अब ये देखने के बाद कि टैप्लो जो है वो उनके जोक्स पर हंस देता है तो एक दिन जो मिस्टर ग्रोकर हैं वो टेप्लो से कहते हैं कि किसी को भी क्लास में मेरा जोक समझ नहीं आया लेकिन तुम हंसे इसका मतलब तुम्हारी लैटिन बहुत अच्छी है है ना कि तुम्हारी जो प्रोग्रेस प्रोग्रेस है लैटिन में वो बहुत ही अच्छी है तो ऐसा करो तुम्हें तो लैटिन में सब कुछ समझ में आता है तो वो कहते हैं कि तुम ये सबको एक्सप्लेन कर दो कि मैंने जोक में क्या सुनाया था तो वो टेप्लो कहता है कि मिस्टर क्रोकर जो हैं वो इतने स्ट्रिक हैं और उनके जोक्स भी ऐसे होते हैं कि, कि किसी को भी समझ में नहीं आते तो वो भी कुछ भी नहीं एक्सप्लेन कर पाता अराइवल ऑफ़ मिली क्रोकर हैरिस और जब ये कन्वर्सेशन चल रही होती है है ना मिस्टर फ्रैंक और टैप्लो में तभी वहाँ पर मिसिज मिस्टर फ्रैंक और टैपलो के बीच जब ये बात चल रही होती है तो मिली क्रोकर मिली क्रोकर हैरिस जो कि मिस्टर क्रोकर की, की वाइफ हैं वो वहाँ पर आती है तो मिस्टर फ्रैंक को ग्रीट करती है ना और मिली क्रोकर कैसी हैं वो यंग हैं स्मार्टली ड्रेस्ड हैं और वेयरिंग अ कैप है ना कैप भी पहनी हुई है और कैरिंग अ शॉपिंग बास्केट और एक शॉपिंग बास्केट भी उन्होंने पकड़ी हुई है और वो आकर के ग्रीट्स करती हैं ग्रीट्स मतलब नमस्ते करना हेलो हाई करना है ना मिस्टर फ्रेंक को और उसके बाद में वो अपनी जो बास्केट है वो साइड में रख देती है और टैप्लो सोचता है कि हम क्रोकर हैरिस मिस्टर क्रोकर हैरिस के बारे में कैसा कैसा बोल रहे थे कहीं इन्होंने सुन तो नहीं लिया और अगर इन्होंने सुन लिया तो वो जाके अपने हस्बैंड को ही नाम बता दें और फिर मेरा रिमूव यानी कि मेरा प्रोमोशन मिलना तो बिल्कुल ही मुश्किल हो जाएगा ऐसी जो है वो टेंशन हो जाती है टैप्लो को अ कन्वर्सेशन बिटवीन मिली एंड टेपलो अब मिली और टैपलो के बीच में जो कन्वर्सेशन होती है मिली टैपलो से पूछती है कि क्या वो उसके हस्बैंड की वेट कर रहा है तो वो टैपलो बताता है कि हाँ यस मुझे मिस्टर क्रोकर ने ही बुलाया था और अब सिक्स फोर्टी भी हो गए हैं और वो अभी तक नहीं आए हैं तो वो मिलिए बताती है कि मिस्टर क्रोकर जो हैं वो तो बर्सर में हैं और तो एक काम करो अगर तुम कहीं और नहीं जा रहे हो छोड़कर तो तुम एक काम करो कि ये प्रिस्क्रिप्शंस ले जाओ जो मेरे पास में डॉक्टर ने लिख कर दिया केमिस्ट ने वो अपने बास्केट में से एक पर्ची निकालती है और उसे कहती है कि ये वाली दवाइयाँ जो हैं वो तुम ले आओ टेपलो से कहती है ना क्योंकि वो वेट तो कर ही रहा है और जाना चाहता नहीं है वहाँ से तो वो कहती है कि अगर तुम यहाँ जाओगे तो मैं कह दूँगी ना कि मेरे काम से गया था और क्योंकि उनको तो आने में अभी टाइम लगेगा और तुम चले जाओ और टेपलो कहते हैं कि अगर मिस्टर क्रोकर को पता चलेगा कि मैं उनकी वेट किए बिना ही चला गया तो जब वो यहाँ आएंगे मुझे नहीं देखेंगे तो उनको बहुत गु़स्सा आएगा ना तो इसलिए मैं नहीं जाना चाहता लेकिन फिर जब वो कहती है वो रिक्वेस्ट करती है कि तुम जाकर केमिस्ट से मेरी ये मेडिसिन ले आओ और जब भी मिस्टर क्रोकर आएंगे तो मैं इस बात को अपनी ज़िम्मेदारी पर ले लूँगी कि मैंने ही भेजा था तो इसलिए वो किसी को भी ब्लेम जो है वो नहीं करेंगे